हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं दिखाने वाली हूँ कैसे फेस के ऊपर वाटर कलर किया जाता है। अभी आप देख सकते हैं मैं कैसे कलर अप्लाई कर रही हूँ। नॉर्मली हम लोग पेपर को पूरा भिगा के उसके बाद कलर यूज़ करते हैं। मैंने वो चीज़ यूज़ नहीं किया, मैंने डायरेक्ट कलर अप्लाई किया। इससे एक चीज़ आसानी होती है मुझे कि मुझे टाइम ज़्यादा नहीं लगता है करने में, ऐसे करने में टाइम थोड़ा कम लगता है। एट फर्स्ट मैंने फेस के ऊपर ब्राउन एंड ऑकर को मिला के अप्लाई किया। अभी धीरे धीरे डार्कर कलर यूज़ कर रही हूँ, जैसे ब्राउन के ऊपर और थोड़ा ऑकर मिला के डार्क टोन बना के उसके बाद अप्लाई कर रही हूँ। और कलर को मैंने थोड़ा डार्क करने के लिए मैंने ब्राउन कलर ज़्यादा लिया और ऑकर कलर थोड़ा कम लिया। जैसे लाइट टोन में मैंने क्या किया था कि ऑकर को ज़्यादा लिया, ऑकर कलर को, उसके बाद ब्राउन कलर को थोड़ा कम लिया था। आप जितना डिटेल देंगे ड्राइंग उतना ही उभर के आएगा। मैं जब भी पोर्ट्रेट वगैरह कलर करती हूँ तो उसमें मैं 7 to 10 लेयर्स मैं यूज़ करती हूँ। नॉर्मली इससे भी ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है। आप अगर बिगिनर्स हैं तो आप 2-3 लेयर्स से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं भी पहले 2-3 लेयर्स ही यूज़ करती थी। और ये मेरा पहला वॉइस ओवर है तो मैं थोड़ी अटक रही हूँ, सॉरी फॉर देट, बट क्या कर सकते हैं, ये मैं पहली बार कर रही हूँ। तो आप लोग तो देख ही रहे हैं मैं कहाँ डार्क कलर यूज़ कर रही हूँ और जो जो हाइलाइटेड एरिया है उसमें मैं कलर कम यूज़ कर रही हूँ। हाइलाइटेड एरिया जैसे नोज़ के ऊपर, नोज़ के बीच में होता है, चिक्स में होता है, फोरहेड के बीच में होता है, आई लिड में होता है और चिन में होता है, और लिप्स में भी होता है, पर लिप्स में वो ग्लॉसीनेस समझाने के लिए हम लोग साइड में वाइट छोड़ देते हैं। वाटर कलर में मैं कभी अलग से वाइट कलर यूज़ नहीं करती हूँ। आप लोग पूरा वीडियो देखिए और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर दूँगी। अगर आपको लैंडस्केप के ऊपर या पोर्ट्रेट के ऊपर, फिगर के ऊपर, कोई भी टॉपिक के ऊपर ड्राइंग देखना है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा और मैं ट्राई करूँगी करने के लिए। अभी मैंने बहुत बात कर लिया, अभी आप लोग वीडियो देखिए। और हाँ, मैं और एक चीज़ बोलना भूल गई, अगर आपको ग्लास पेंटिंग के ऊपर देखना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। अभी जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ आप वो फॉलो कीजिए। होप यू ऑल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल।
Thank you so much for watching my video and I need your support. Okay, abhi ke liye bye aur milte hain next video mein. Take care.